हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ये इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है, यानी कि आज हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ ही में दोस्तों हमारा जो टोटल सिलेबस है 100% सिलेबस ऑफ साइंस 9th साइंस, ये भी हो जाएगा आज टोटली कंप्लीट। तो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट मेरे लिए है, बिकॉज दोस्तों आप सभी को पता है कि हमने किस तरह से ये जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है ना, बैक देन, वन ईयर बैक। ठीक है, अगर बात करें तो जो लॉकडाउन चल रहा था, ठीक है ना, मैंने सोचा यार कि आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब 10th एंड 12th के ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं, 9th, 8th, 7th के ऊपर कोई ज़्यादा फोकस नहीं करता है। दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो यार आपके लिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैं एक हॉनेस्ट चीज़ बोलता हूँ आपको, मैं एक बहुत सच्चाई चीज़ बोलता हूँ आपको कि यार मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा यूट्यूब जर्नी में, क्योंकि मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लाइक मैं को यूट्यूबर बनना है या फिर मैं कोई एक फुल टाइम टीचर बन सकता हूँ। आई हैव नेवर थॉट ऑफ दैट। ठीक है, तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगने लगा, आप लोग का भी इतना प्यार दिखा यार, मैं तो एकदम खुश हो गया कि यार आप लोग इतने सपोर्टिव स्टूडेंट्स हो, इतने प्यारे स्टूडेंट मेरे को आज तक लाइक कभी नहीं मिले। ठीक है, तो आप लोग के प्यार के वजह से हम यहाँ तक आ चुके हैं आज, और आज हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो बस आपको ये मैं बताना चाह रहा था, दैट्स वाई मैंने ये कुछ 2 मिनट के लिए बात कही। और दोस्तों साथ में बता दूं आपको कि हमारा सिलेबस तो आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हो, क्योंकि हमने इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखा है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर मैं एक अनाउंसमेंट वीडियो भी बना दूंगा, रिमाइंडर वीडियो, ताकि आपको और अच्छे से बता सकूं, क्योंकि आज तो हमारा लेक्चर वीडियो है तो हम लेक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि अगर आपको कुछ पुराने चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टिल 18 चैप्टर लगातार आपको देखने के, पूरे 18 के 18 चैप्टर्स के जितने भी वीडियोज हमने बनाए हैं सब के सब अवेलेबल है, कोई भी मिसिंग नहीं है। आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, जब जाओगे प्लेलिस्ट में, 9th साइंस का प्लेलिस्ट में जाना और हर एक वीडियो आप देख सकते हो, जब चाहे तब आपकी मर्जी के हिसाब से, जो भी चैप्टर में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करना है आप जाके विजिट किए कीजिए और जरूर से उसको जाके देखिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वो प्लेलिस्ट का ही लिंक, ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करना, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की, आखिरी लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। एंड आने वाले दिनों में हम जैसे आपसे प्रॉमिस किए थे और भी कंटेंट्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम शांत हो जाएंगे। हम आपके लिए कुछ ना कुछ, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, रिविजन्स के और मैच ट्रिक्स के, दूसरे वीडियोज काफी सारे लाते रहेंगे, ताकि आप लोग को अपने लाइफ में भी और करियर वाइज भी आगे बढ़ने में हेल्प मिले। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप में हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीज पढ़ी थी, और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से टाइप के टेलीस्कोप होते हैं। बेसिकली ऑप्टिकल देखा था हम लोग ने, रिफ्रैक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप देखा था। तो आज दोस्तों एक आखिरी टाइप का टेलीस्कोप हमें देखना है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और उसके आगे एक दो टॉपिक्स और है छोटे छोटे, उसको भी हम कवर करा देंगे। तो आज का टॉपिक है सबसे पहले, जिसका नाम है दोस्तों रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, ये नाम शायद आपने सुना होगा, रेडियो टेलीस्कोप। इसका मैं फंक्शन बता दूं आपको कि इसका मतलब होता क्या है। देखो रेडियो टेलीस्कोप की अगर मैं बात करूं, There are so many heavenly bodies which are present outside in the space. We all know that. हमें सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे heavenly body, जैसे कि star, planets, galaxies में कुछ other different asteroid, बहुत सारे present है, और वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कुछ particles को emit करते हैं, कुछ light को emit करते हैं, यानी कि कुछ radiation को emit करते हैं। यानी कि अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, बहुत सारे heavenly body जो है वो radio waves, जैसे कि मैंने आपको size लिख के दिया था कि सबसे बड़ा जो type का frequency होता है किसी भी radiation का, किसी भी light wave का, वो होता है radio wave का। तो बहुत सारे ऐसे heavenly body होते हैं, स्टार प्लैनेट्स जो होते हैं वो रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं, रेडियो वेव्स को निकालते हैं, लेकिन वो जो रेडियो वेव्स होते हैं वो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, वो उसका क्योंकि फ्रीक्वेंसी काफी छोटा होता है कंपैरेटिवली अवर आइज। हम लोग सिर्फ जो है बड़े ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर मुझे दिख रहा है, लेकिन वो जो रेडिएशन होते हैं रेडियो वेव्स के, वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उसका कंपैरेटिवली जो वेवलेंथ होता है वो काफी छोटा होता है। तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप यूज करते हैं, और वो जो टेलीस्कोप होता है स्पेशल टाइप का टू ऑब्जर्व द रेडियो वेव, रेडियो वेव को देखने के लिए जो टेलीस्कोप का इस्तेमाल होता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं रेडियो टेलीस्कोप। बहुत ही सीधी भाषा में, आसान भाषा में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बारे में और बहुत सारी जानकारी दी हुई है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिश से बने होते हैं। अब देखो मैं इसका एक स्ट्रक्चर कोशिश करता हूं बनाने की, ठीक है, तो वैसे तो आपके बुक में आपको ये मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द, मैं कोशिश कर रहा हूं यहां पे बनाने की, इस तरीके का डिश होता है, जैसे कि आपका एंटीना होता है ना, डिश एंटीना, जिससे आप टीवी देखते हो, डिश टीवी वगैरह जो होता है उसी प्रकार का शेप होता है ये, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से शेप होता है। एंड आपको देखने मिलेगा ये चीज़ बहुत सारे रेडियो स्टेशंस वगैरह जो होते हैं ना, आपको इस प्रकार का देखने मिलेगा। और इसमें क्या होते हैं, नॉर्मली इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे आपको
जो है फ्रीक्वेंसी वाइज आपको देखने मिलते हैं। तो होता क्या है कि ये जो रेडियो वेव्स होते हैं, यानी कि ये डिश होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये यहाँ से रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट वो उसको रिसीव करते हैं, यानी कि एक तरीके से रिसीवर, ठीक है ना, रिसीवर और ए ट्रांसमीटर, ये दोनों चीज इसमें प्रेजेंट होता है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर वो जो रेडियो वेव्स होते हैं उसको भेजेगा, और कुछ ऐसे चीज होंगे जो उसको रिसीव करेगा, तो वो होगा रिसीवर। फिर क्या होता है यहाँ पे, अगर बेसिकली बात करूँ कि ये जो चीज़ है ये आपका कनेक्टेड रहता है एम्पलीफायर से, ठीक है ना, वो एम्पलीफायर से कनेक्ट रहेगा ताकि जो भी वेव्स आ जाएंगे, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसका सिग्नल को बढ़ाएगा, एंड बाद में ये चीज़ जो होता है वो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, यानी कि जो भी वो रेडियो स्टेशन में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो कंट्रोल करते हैं, तो लास्ट में वो चीज़ कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। ये पूरा सेटअप है नॉर्मली, ठीक है ना, मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम नहीं बनाया, मैंने रफली डायग्राम बनाया, लेकिन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये डिश आपको बड़े बड़े डिश, और ये छोटे मोटे डिश नहीं होते आपके जो घरों में, जो आप टीवी देखने के लिए जो डिश लगाते हो टेरेस के ऊपर जो लगवाते हो, वो काफ़ी छोटे होते हैं ना, अगर मैं साइज बताऊँ तो लगभग इतने बड़े होते हैं, वो गोल सा डिश होता है, आपने देखा होगा। लेकिन ये जो डिश होते हैं जिसमें जो रेडियो वेव्स को कैरी करते हैं, वो जो डिश होते हैं ना दोस्तों, वो एक एक मीटर बड़े होते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक रूम जो होता है, एक बेडरूम होता है, समझ लो उसके बराबर बराबर बड़े बड़े डिश होते हैं, आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा। तो वो जो डिश होते हैं लगभग 30-40 डिश ऐसे लाइन से कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं, बहुत जगह आपको देखने मिलेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली मुझे जगह का नाम नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज़ है वो मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों पुणे, नारायण गांव पुणे। तो नारायण गांव पुणे एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का नाम है GMRT, और GMRT इज नथिंग बट द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, यानी कि ऐसा जो अरेंजमेंट है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे मैं आपको, GMRT इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, जायंट, जी फॉर जायंट, एम मतलब मीटर वेव, ठीक है, एम मतलब मीटर वेव, आर मतलब रेडियो, एंड टी मतलब टेलीस्कोप। तो ये जो GMRT है दोस्तों, ये नारायण गांव पुणे एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगभग 30 ऐसे टेलीस्कोप्स जो है ऐसे डिश के अरेंजमेंट किए गए हैं ताकि रेडियो वेव्स को भेजा जा सके। अब इसका यूज़ क्या है, भेजा जा सके, क्यों भेजते हैं रेडियो वेव को, क्योंकि दोस्तों हम चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं टेलीस्कोप लगाना, रेडियो टेलीस्कोप क्यों लगाना, क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि यार स्पेस में जो हेवनली बॉडी प्रेजेंट है, सोलर सिस्टम प्रेजेंट है, प्लैनेट्स प्रेजेंट है, कुछ एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट है, लाइक बहुत सारे अलग अलग मीटियोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो वर्किंग कैसा कर रहे हैं अपना, किस प्रकार वो फॉर्म हो रहे हैं, किस प्रकार उनके बीच में हलचल हो रही है, किस प्रकार उनमें मूवमेंट हो रही है, ये सभी चीज़ का जो आइडिया मिलता है वो किससे मिलता है, कहीं ना कहीं टेलीस्कोप से ही मिलता है। तो ये जो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं वो उसी चीज़ को नज़र रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और हमें बारी बारी से इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है, सो दैट हम उसको अच्छी चीज़ों में अप्लाई कर सके। अब जैसे कि एस्ट्रॉयड आने वाला है हमारे पृथ्वी के ऊपर, टकराने वाला, कैसे पता चलेगा, कोई आपने सुना होगा ना, बहुत सारे मीम्स तो निकलते रहते हैं, बहुत सारे फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे मीम्स निकलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कैसे पता चलता है वो लोगों कि क्या होता है, कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो देर आर लाइक ऑब्जर्विंग एवरी टाइम, क्योंकि उनका काम ही है, जैसे हमारा काम है डेली उठ के खाना पीना नहाना धोना, मेरा काम है वीडियो आपके लिए बनाना, आपका काम है हमारे से वीडियो पढ़ना डेली बेसिस पे, सेम कुछ साइंटिस्ट लोग का जो काम है कि उनको डेली ऑब्जर्व करना है कुछ एस्ट्रॉइड्स को, कुछ अदर प्लैनेट्स के मूवमेंट को, सो दैट हमारा पृथ्वी के ऊपर जो लोग है ना, करोड़ों में है, करोड़ों में भी नहीं, 100 करोड़, हजारों करोड़ में लोग है पूरे कंट्री का, अगर मिला दोगे हमारे कंट्री का ही, हमारे इंडिया का ही सिर्फ 150 करोड़ है, तो आप सोचो पूरे कंट्री का आप मिला लो, जितने भी दुनिया कंट्री सब मिला लोगे तो लगभग 1000 के आसपास करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, तो इतने लोग प्रेजेंट है, और उनकी जान की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं साइंटिस्ट लोग भी है, बिकॉज उनको नजर रखना पड़ता है ये सब चीज के ऊपर, क्योंकि अगर आपने ये चीज अनदेखा कर दिया, यानी साइंटिस्ट लोग ने अनदेखा कर दिया, और सही में कहीं पे कुछ एस्ट्रॉइड का मूवमेंट ऐसा हुआ जो हमारे अर्थ के करीब से भी गुजरेगा, तो हमारा अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, प्रलय आ सकता है, और हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो खत्म हो सकती है, तो ऐसा ना हो ये चीज ये हमारा बताता है, ठीक है। तो जितने भी GMRT डिपार्टमेंट होते हैं लगभग बहुत बड़े बड़े जायंट टेलीस्कोप, यानी GMRT जो डिपार्टमेंट है नारायण गांव पुणे में, ऐसे बहुत बड़े बड़े 30 डिशेस, ऐसा डिश दिख रहा है आपको, ये डिश लगभग 30 डिशेस ऐसा लाइन से प्रेजेंट है, और इसका जो कलेक्शन है 30 डिशेस तो होते हैं साथ में, इसका जो फैलावा है लगभग कितना बोला यहाँ पे, 25 किलोमीटर, मतलब 25 किलोमीटर का एरिया, आप सोचो यार 25 किलोमीटर बहुत होता है, तो 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है ऐसा डिश, और जो कि रेडियो वेव्स को भेजता है और रिसीव करता है, सो दैट they are getting the information from that particular radio waves, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग भी वहाँ पे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और ये साइंटिस्ट लोग वहाँ पे प्रेजेंट भी है, आज के डेट में आप जाओगे विजिट करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, और एक और चीज़ मैं बताया कि ये नाम जो है भूलना मत, GMRT, और कहाँ प्रेजेंट है, नारायण गांव में, ठीक है ना, नारायण मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, तो नारायण गांव पुणे करके एक जगह है, हो सकता है शायद आप में से बहुत सारे लोग पुणे से बिलोंग करते होंगे तो उनको शायद पता होगा, क्योंकि मैं पुणे से काफ़ी दूर मुंबई में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी
ठीक है, सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है और किस प्रकार वो वर्किंग करता है और क्यों यूज किया जाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक आज का खत्म होता है। दूसरा टॉपिक बात करेंगे टेलीस्कोप इन स्पेस, ठीक है। ये तो हमारे टाइप का जितने भी टेलीस्कोप थे वो हमने आपको करा दिया। अब स्पेस में टेलीस्कोप होते हैं, क्यों होते हैं, सवाल ये भी उठता है, ठीक है। तो हर सवाल का जवाब देना दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलूंगा कि लाइक मैं सब सवाल का जवाब दे सकता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी हूं नहीं, जितना मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि यार जितना मेरे पास नॉलेज है, अब मैं कोई बहुत बड़ा अंतर्यामी या फिर बोलते हैं ना बहुत बड़ा ज्ञानी भी हूं नहीं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको तो सब पता है, सर यार मेरे को भी सब पता नहीं है, हम कुछ कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं वही आपको बता रहे हैं, करेक्ट है। लेकिन दोस्तों एक वे होता है बताने का, ताकि आपको समझ में आए क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों मुझे मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, ताकि मेरे पास जो नॉलेज है या फिर कहीं ना कहीं से जो नॉलेज मेरे पास आया है वो मैं आपको बांटूँ, सो दैट आप वो नॉलेज लो और उससे अच्छाई के रास्ते पर चलो, कुछ अच्छा काम करके दिखाओ, कुछ बड़ा काम करके दिखाओ। हो सकता है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए कि यार मुझे भी एस्ट्रोनॉमर बनना है, यार मुझे भी साइंटिस्ट बनना है, स्पेस साइंटिस्ट बनना है, स्पेस डिजाइनर बनना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ आपके मन में आएगा। यार ये सब करोगे ना तो हमारे देश को आप आगे लेके जाओगे, बाकी तो पैसे तो हर कोई कमा लेता है, कुछ ना कुछ तरीका है पैसे कमाने का, देयर आर सो मेनी लॉट्स ऑफ वे टू अर्न ए गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट अगर आप ये सब काम करते हो ना डेफिनेटली आपके अंदर जो मजा आएगा लाइफ को जीने का वो कुछ और ही लेवल का, और आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने देश के लिए कुछ किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। चलो वो तो बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है ना, सॉरी मैं कभी कभी भटक जाता हूं रास्ते से, ठीक है। हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक के जिसका नाम था दोस्तों टेलीस्कोप इन स्पेस, टेलीस्कोप इन स्पेस, हमारे स्पेस में किस प्रकार टेलीस्कोप होते हैं और क्यों होते हैं, सबसे पहला सवाल तो वही है क्यों होते हैं, तो वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहली बात आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो एटमॉस्फियर है, हमारा जो पृथ्वी का गोला है, हम पृथ्वी पे जो रहते हैं उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फियर है, यानी देर आर सो मेनी टाइप ऑफ गैसेस अबाउ द अर्थ सर्फेस, हमारे अर्थ सर्फेस के ऊपर बहुत सारे गैसेस है, ओजोन लेयर है, बहुत सारे धूल मिट्टी है, क्लाउड्स है। तो क्या लगता है आपको कि जो रेडियो वेव्स ऊपर होते होंगे या फिर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम के जो लाइट वेव्स होते होंगे वो क्या सही से हमारे अर्थ तक पहुंचते होंगे, क्या एकदम क्लियर पहुंचते होंगे, क्या जो हम इमेज देख पाते हैं किसी भी दूसरे ग्रह का, दूसरे प्लैनेट्स का, स्टार्स का या फिर कोई भी हेवनली बॉडीज का हम जो इमेज देख पाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो एकदम बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम हमारे अर्थ के ऊपर से ही यूजिंग ऑप्टिकल टेलीस्कोप, जो हमारा बेसिकली मैंने टाइप पढ़ा था आपको ऑप्टिकल टेलीस्कोप, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो हमें इमेज क्वालिटी मिलता है इट इज़ नॉट गुड, वो इमेज क्वालिटी बहुत ही अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं बोल रहा कि अच्छा नहीं होता है, अच्छा होता है लेकिन अप टू द मार्क नहीं होता है, मतलब इतना भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं होता है कि हम ठीक से उसको देख सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी जहां के आसपास कुछ ऐसा माहौल ना हो, कुछ ऐसे लाइट स्पेक्ट्रम ना हो, कुछ ऐसे चीजें ना हो जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अर्थ के ऊपर तो गैसेस भरे हुए, ओजोन लेयर भरा हुआ है, बहुत सारे डस्ट चीजें भरी हुई है, तो वो क्लियर इमेज नहीं भेज पाता है। तो इसके लिए हमने टेलीस्कोप कहां लगाया, कहां लगाया, स्पेस में लगा दिया। तो स्पेस में जो टेलीस्कोप जाएगा वो क्या करेगा, क्योंकि स्पेस में तो ऐसे कुछ चीजें हैं नहीं, धूल मिट्टी, गैसेस, स्पेस क्या होता है, खाली जगह, स्पेस का मतलब क्या होता है, खाली जगह, देयर इज नो अदर गैस इन द स्पेस, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। बोलते हैं ना स्पेस मतलब क्या, स्पेस मतलब वैक्यूम, कुछ नहीं है वहां पे, सिर्फ प्लैनेट्स से गोल गोल घूम रहे हैं स्टार्स के आसपास, आई मीन टू से सॉरी सन के आसपास, और कुछ प्लैनेट्स से, कुछ स्टार्स से, कुछ एस्ट्रॉइड से, मिटियोर से, पल्सर से, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, लेकिन देर इज नो गैसेस, गैस जो होते हैं वो स्टार्स के पास होते हैं या तो प्लैनेट्स के पास होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा चीज जो मैं बता रहा था, क्या बता रहा था, कि हमारा जो टेलीस्कोप है वो अर्थ पे जब रहता है तो जो क्वालिटी जो होता है वो थोड़ा सा गिर जाता है, तो सो दैट टू इनहैंस दैट क्वालिटी एंड टू गेट द क्लियर क्रिस्टल इमेज जो होता है, क्रिस्टल क्लियर इमेज हासिल करने के लिए हमने टेलीस्कोप को कहां भेज दिया, स्पेस में भेज दिया, उसकी भी स्टोरी है, ठीक है। तो वो स्पेस में भेज दिया, एंड स्पेस में जाने के बाद टेलीस्कोप फोटो खींचेगा मस्त पे की, ठीक है, वो सब कंप्यूटर ऑपरेटर था, टेंशन मत लेना कि यार कैसे जाएगा, देयर आर ऑल द कंप्यूटर कंट्रोल्स, और ये सब चीज आप थोड़े और जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, अभी तो आप 9th में हो, 10th में जाओगे तो 10th में एक और चैप्टर है स्पेस मिशन करके, उसमें आपको पढ़ने मिलेगा, 11th 12th में, जैसे जैसे आप आगे आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी चीज आपको दोस्तों पढ़ने मिलेगी और काफी मजेदार चीज है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अगर इंटरेस्ट लेंगे तो बहुत अच्छा करियर भी बना सकते हैं इसमें, तो ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप होते हैं ना वो हमारे अर्थ के ऊपर जो होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते, इरेक्ट नहीं हो पाते, दैट्स व्हाई जो है उसको क्लियर इमेज लेने के लिए हमने टेलीस्कोप को क्या कर दिया, स्पेस में भेज दिया। तो जनरली जो विजिबल लाइट होता है हेवनली बॉडी के ऊपर, जब वो अर्थ सर्फेस के ऊपर जब टकराता है, ठीक है ना, अर्थ सर्फेस के ऊपर जब टकराएगा तो उसमें से इमेज जो निकलेगा वो थोड़ा सा क्लियर निकलेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जिसके वजह से हमारे अर्थ पे रहने वाले टेलीस्कोप वो क्लियर इमेज नहीं दे पाते, जैसे मैंने बोला कि
वन ऑफ द रीज़न इज लाइक आपका हवा जो होता है, गैसेस जो होते हैं, डस्ट होते हैं, फिर ओजोन लेयर हो गया. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और हवा का जो विंड फ्लो होता है वो भी डिस्टर्ब कर देता है, और आपका जो वेव्स जो आते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके वजह से जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो भी गिर जाता है. दूसरा जो है, इमेज में डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, इसीलिए वो क्रिस्टल क्लियर इमेज जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है. तो ये सभी चीज़ को सुधारने के लिए यहाँ पे टेलीस्कोप को बेसिकली इसमें भेजा जाता है, यानी कि स्पेस में भेजा जाता है. और एक चीज़ जो हमारे पास अर्थ में भी जो टेलीस्कोप्स वगैरह है ना, वो भी ज़्यादातर ना ऐसे ऊंचे जगह पे रखा जाता है ताकि कम से कम डिस्टर्बेंस हो, जैसे कि पहाड़ों के ऊपर. तो बहुत सारी ऐसी जगह है हमारे इंडिया में जो यहाँ पे पहाड़ का जो टॉप होता है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं उसके टॉप पे टेलीस्कोप्स को प्लांट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, सो दैट वहाँ से वो जो इमेज को हासिल करेगा वो थोड़ा सा क्लियर होगा एज कम्पेयर टू जो थोड़े से लाइक नीचे की तरफ होंगे. तो ये भी चीज़ ध्यान रखना. तो ऐसे हमारे इंडिया ने माफ़ कीजिएगा, इंडिया ने हमारे जो अर्थ है उसमें से भी बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो भेजे गए हैं. सैटेलाइट्स की तो हम बात नहीं करेंगे, वो कुछ और चीज़ है, लेकिन हम बात करें यहाँ पे टेलीस्कोप की. तो ऐसे बहुत सारे टेलीस्कोप्स हैं जिसको भेजा गया है. तो जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स. एक था 1990 में, मैंने ये खुला रख दिया था इसलिए वो ड्राई हो जाता है, ठीक है ना, ये गलती मत करना आप लोग. कभी ऐसा पढ़ाओगे तो ये मार्कर ओपन रखोगे थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, देखो अभी चल रहा नहीं है, ठीक है. तो मैंने ओपन रखा था बहुत टाइम से, कोई बात नहीं. तो 1990 में जो हमारे नासा है, नासा कौन है आप सभी को पता है दोस्तों, नासा इज़ नथिंग बट हमारा दैट इज़ आपका जो अमेरिका का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना. तो वो जो है आपका नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करता है, उसने ना लॉन्च किया एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप को, और उसका नाम रखा हबल टेलीस्कोप. देखो मैं नाम बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. क्या बोल रहा हूँ मैं, हबल नाम का एक टेलीस्कोप जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप का एक टाइप है, जो कि हमने पढ़ा था ना प्रीवियस लेक्चर में ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या होता है, तो उसी का एक टाइप है हबल टेलीस्कोप. तो नासा ने 1990 में हबल टेलीस्कोप को कहाँ भेजा था, स्पेस में भेजा था, सो दैट वो जो है इमेज को ऑप्टेन कर पाए. तो लगभग उसका जो है ना मिरर है उसके पास, लगभग 94 इंचेस के मिरर है. देखो ये सब चीज़ ज़्यादा जानकारी के लिए याद रख सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो 94 इंचेस का है, और साथ ही में उसका जो हाइट है, ठीक है ना, वो लगभग 589 किलोमीटर है अर्थ के ऑर्बिट से, ठीक है. तो वो आपको ध्यान में रखना है, और ये आज के दिन में वर्क कर रहा है, यानी 1990 में भेजा गया था लेकिन आज के दिन में भी ये चीज़ वर्किंग पीरियड में है, और ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करके इमेजेस जो है वगैरह भेज रहा है. फिर एक और भेजा गया 1999 में, फिर से नासा जो था हमारा, ठीक है, नासा जो था उन्होंने वापस से भेजा. और इस बार जो उन्होंने भेजा टेलीस्कोप वो एक एक्सरे टाइप का टेलीस्कोप था, और वो टेलीस्कोप का जो नाम है वो दोस्तों चंद्र टेलीस्कोप है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम में थोड़ा चंद्र डाल दिया, मतलब ये थोड़ा सा इंडिया से लेना देना है इसका. इंडिया से इसलिए लेना देना है क्योंकि ये जो टेलीस्कोप है इसका जो नाम चंद्र रखा गया है वो एक हमारे इंडियन साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया, जिसका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर. ठीक है, चंद्र शेखर नाम के हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे. और आपको पता होगा कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट का नासा में बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट जो रहे हैं जो इंडिया के रहे हैं लेकिन वो नासा में जाके काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी सक्सेसफुल, उल्टा अमेरिकन से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं. ठीक है, तो इसका नाम चंद्र रखा गया, और ये एक एक्सरे टाइप का, ठीक है ना, एक्सरे टाइप का, जो कि अदर अलग अलग हेवनली बॉडी जो घूम रहे हैं स्पेस में उसका एक्सरे निकालता है और उसका इमेज जो है वो भेजता है. तो ये भेजा गया था कहाँ पे, भेजा गया था कहाँ पे, 1999 में नासा की तरफ से भेजा गया था स्पेस में. तो ये दो टाइप के आपको याद रखना है, स्पेस टेलीस्कोप जो कि हमारा टॉपिक है, टेलीस्कोप इन स्पेस, तो वो भेजा गया था. तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है दोस्तों. तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा. तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है हमारा, और एक चलते हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि ये जो है नासा जो चीज़ दिख रहा है आपको, ये क्या है, अमेरिका का रिसर्च सेंटर है. तो क्या हमारे इंडिया का कोई रिसर्च सेंटर नहीं है? यस, बिल्कुल है, इंडिया का भी रिसर्च सेंटर है. ठीक है, बट पूरे लाइक आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है वो अमेरिका माना जाता है. दैट्स वाई सब लोग नासा का जिक्र ज़्यादा करते हैं, और इन्होंने हमारे से ज़्यादा पहले से शुरुआत की थी, और हमारे से ज़्यादा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, पैसा है साथ में, इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिशन को ऑर्गेनाइज कर पाते, हम थोड़े कम कर पाते, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है. हमारे पास भी खुद का रिसर्च सेंटर है हमारे इंडिया का, जिसका नाम है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म बोले तो इसरो. ये तो नाम सुना ही होगा आपने, इसरो. ठीक है ना, मैंने भी मतलब एक छोटा सा दो मिनट के लिए बोलूँगा, मैंने भी अप्लाई किया था इसरो के लिए. ठीक है, बट क्या पता हुआ ही नहीं, लॉकडाउन आ गया. ठीक है, पिछले साल की बात है. ठीक है, तो अप्लाई जो किया था बहुत सारे लोग का रिजेक्शन हो गया उसके वजह से, बिकॉज लॉकडाउन जब हो गया तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है उनका एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाया नहीं, तो उसमें से भी शायद मेरा एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हुआ. ठीक है ना, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी थे. ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल, तो आप बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन आपके हाथ में मौका रहेगा जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे तो इसरो में जाने का, जरूर से ट्राई करना. ठीक है, मैं इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ अलग से कि कैसे आप जा सकते हो, क्या कर सकते हो. ओके, लास्ट टॉपिक है,
ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये चीज़ पसंद आ रहा होगा। इसरो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आप लिख दोगे, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसरो जो है दोस्तों ये लगभग एस्टाब्लिश हुआ था हमारे इंडिया में। ये सब चीज़ छोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखना है। 1969 बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, 1969 में, ठीक है, चलो इंग्लिश बोल देता हूँ, 1969 में इसरो को एस्टाब्लिश किया गया था हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, यानी कि कोई भी प्राइवेट चीज़ नहीं है इसमें, ये गवर्नमेंट चलाती है, सरकार चलाती है। इसमें जो नौकरियाँ निकलती है, जो जॉब्स निकलते हैं, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से निकलती है। और एक बार अगर आप जॉब पे लग जाते हो उसमें तो आपकी लाइफ सेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट कंपनी है और ऊपर से आप अपने देश के लिए काम कर रहे हो, साथ में आपको कोई निकाल नहीं सकता। अदरवाइज जब आप कुछ गलत काम ना कर दो तब तक कोई आपको निकालेगा नहीं, सैलरी बहुत अच्छा मिलता है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार, आप स्पेस के लिए काम कर रहे हो, स्पेस रिसर्च कर रहे हो, कुछ ना कुछ अलग चीज कर रहे हो, तो उसके लिए एक्साइटमेंट जो होती है वो अलग लेवल की होती है। ठीक है, चलो यार, मैं कोई यहां पे जॉब अपडेट तो बता नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ते हैं यहां पे। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला 1969 में लॉन्च किया गया था, एंड ये जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा भेज चुका है। नॉर्मली हमने इंडिया की बात करें तो अभी रिसेंटली आपको पता होगा, आप इसके ऊपर एक मूवी बनी है मिशन मंगल, ठीक है, तो वहाँ पे मिशन मंगल में भी आपने देखा होगा किस प्रकार हमारे इसरो ने फर्स्ट अटैम्प्ट में पहली बार में ही मार्स के ऊपर जो है सैटेलाइट भेज दिया, रॉकेट भेज दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है और काफ़ी अच्छा लगता है। जो दूसरे देश नहीं कर पाए वो हमने कर पाए, तो हमारा जो इसरो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, डेवलप है, एंड इसमें जो है बहुत सारे टाइप के सैटेलाइट्स को भेज चुका है। जैसे कि आपको बात करें इनसेट और जीसेट, ठीक है ना, ये दो सैटेलाइट के नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, INSAT जिसको इनसेट बोलते हैं और एक जीसेट सैटेलाइट है। ये इनसेट और जीसेट सैटेलाइट को भेज दिया गया है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, टेलीकम्युनिकेशन, यानी फोन्स जो आते हैं आपको कैसे आते हैं, आप एक जगह पे बैठ के, आप इंडिया में बैठ के अमेरिका बात कर सकते हो, कैसे पॉसिबल हुआ, बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स। तो इनसेट जीसेट ये सभी चीज़ हमारे कौन भेजता है, ये सैटेलाइट्स कौन लॉन्च करता है, ये इसरो ही तो करता है। आप बोलोगे ना कि यार आप बैठे बैठे घर पे आज इंटरनेट चला पा रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, बिकॉज देयर इज ऑल्सो ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है ना, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट है। आप घर पे बैठ के टेलीविजन देख पा रहे हो, पिक्चर देख पा रहे हो, सीरियल देख पा रहे हो सास बहू के, ठीक है ना, आप लोग नहीं देखते होंगे, आपके मम्मी पापा देखते होंगे शायद, पापा भी नहीं, मम्मी देखती होगी, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो कैसे देख पा रहे हो, दिट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। तो जैसे ये जो सैटेलाइट्स है टेलीफोन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के लिए, फिर ऐसे बहुत सारे टेलीविजन के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी सैटेलाइट्स है, फिर एक हमारे एडुकेशन के लिए भी सैटेलाइट है जिसका नाम है एडुसैट, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे एडुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए भी एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एडुसेट, ये हो गया। फिर साथ में IRS सैटेलाइट है जो कि आपके नेचुरल रिसोर्स, ठीक है ना, एक IRS नाम का सैटेलाइट है जो नेचुरल रिसोर्स और कहीं डिजास्टर ना आ जाए, सुनामी, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ के ऊपर नजर रखता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है। ये ऐसे अलग अलग टाइप के सैटेलाइट्स को हमारे इसरो ने ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है और आगे भी मेहनत कर रहा है। चंद्रयान आपने नाम सुना होगा, मिशन मंगल नाम सुना होगा आपने, तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट्स को और भेजने वाला है ताकि हमारे डेवलपमेंट हो सके और हमारे इंडिया भी वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्री में शामिल हो जाए कि यार हम में भी है दम। और ये चीज़ आप लोग भी करना है यार, आप लोग अभी 9th के जितने भी हो गए, हो सकता है यार आप लोग अगर 10,000 लोग हो, मुझे पता नहीं है कितने 9th के, मैं एक दिन ये करूँगा, वोटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास लगभग 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स में से हो सकता है कुछ 50,000 के आसपास 9th के भी हो, ठीक है, और मुझे अच्छी बात लगेगी। तो अगर यार 9th में हो तो मैं चाहता हूँ दोस्तों यार एटलीस्ट कोई 2 या 5 बच्चे ऐसे हो जो ये इसरो में जाए, ये मेरी तमन्ना है। क्यों तमन्ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ, देखो आप लोग का जो अभी एज जो है वो आप लोग सोच नहीं पाते होंगे कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। देर आर सो मेनी वीडियोज़ जो मैंने आपको आपके लिए बनाया हमारे सेकंड चैनल JR टॉक्स के ऊपर, ताकि आपको हम और थोड़ा सा डेवलप करवा सके और आपको यहां से थिंकिंग करवा सके। लेकिन मैं यहां पे क्यों एक्स्ट्रा बोल रहा हूं आज, नहीं तो मेरा काम क्या होता है, मैं पढ़ा के निकल जाता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा क्यों बताता हूं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पढ़ाई तो करो लेकिन उसके पीछे जो राज है, क्योंकि पढ़ाई आपको काम नहीं आएगा, आपको जो ये पढ़ाई आपको सिर्फ क्यों करना है, क्योंकि आप पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स लेके आओ, जिससे आपको अच्छी जो है प्लेसमेंट मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों आपके पीछे जो कंसेप्चुअल नॉलेज यहां से मैं जो दे रहा हूं ना एक्स्ट्रा, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग यहां पे आपके लिए मेहनत करते हैं और एक्स्ट्रा बताते हैं, सो दैट ये चीज आप लोगे तो यहां से आपका जो थिंकिंग है वो बढ़ेगा और हो सकता है आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच सको। ठीक है, तो चलते हैं आखिरी टॉपिक, इसी का टॉपिक है, इसरो का टॉपिक है जिसका नाम है, ठीक है ना, क्या नाम है, एस्ट्रोसैट, ठीक है ना, एस्ट्रोसैट। तो एस्ट्रोसैट क्या होता है अगर मैं बात करूं तो, एस्ट्रोसैट इज नथिंग बट हमारे 2015 में इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च किया था, वही आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो नाम है एस्ट्रोसैट, ये आपको ध्यान में रखना है, 2015 में ही, यानी कि ज़्यादा साल नहीं है, 5-6 साल पुराना ही है, ठीक है ना, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2021 में बना रहा हूँ, तो 2015 यानी 6 साल पहले हमारे इसरो ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसका नाम था एस्ट्रोसैट उसको लॉन्च किया गया था। और ये जो सैटेलाइट है इसके पास अल्ट्रावायलेट और एक्सरे टेलीस्कोप और डिटेक्टर्स भी प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, एक्सरेस निकाल सकता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को स्कैन कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है, ये सभी चीज़ को करता है। और ये स्पेशली खास बात क्या है, इट इज़ ए मेड इन इंडिया यार,
फक्र की बात है, हमारी इंडिया भी कैपेबल है कि हम जो है सैटेलाइट खुद के दम पे बना सकते हैं और उसको भेज भी सकते हैं आसमान में विद द हेल्प ऑफ द लॉन्चर PSLV GSLV, ठीक है ना। आप आगे आगे जाओगे, अभी मैं ज़्यादा खुल के क्यों नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके रिगार्डिंग, लेकिन आप छोटे हो यार, नाइन्थ में हो, नाइन्थ क्या होता है, छोटा ही तो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ वैसे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है आज, लेकिन जैसे जैसे और थोड़ा आगे बढ़ जाओ दोस्तों, हम धीरे धीरे आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा इसके बारे में, दैट इज एस्ट्रोस्टैट के बारे में, और कुछ नहीं है कि आपका ये एक इंडियन सैटेलाइट है जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था फॉर द एक्सरेज एंड ऑल, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये होता है समाप्त, एंड आपको बोल दूं दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 18 ऑब्जर्विंग स्पेस एंड टेलीस्कोप, ये भी होता है समाप्त। और दोस्तों इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा साइंस का, नाइन्थ स्टैंडर्ड के साइंस का 100% सिलेबस भी होता है समाप्त, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस कि आपने हमारा कोऑपरेशन किया अभी तक, ठीक है ना, कॉपरेट किया हमें, और काफ़ी अच्छा लगा आपका प्यार देख के, काफ़ी मैं खुशी खुशी हुई आज, इमोशनल मोमेंट तो है, रहूंगा नहीं लेकिन, ठीक है। तो लेकिन अच्छा लग रहा है, और डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मेरा आज आखिरी लेक्चर है, मतलब लेक्चर तो आखिरी था सिलेबस के हिसाब से, लेकिन आपके सामने हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा यार, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। सब सिर्फ नाइन्थ पढ़ा दिया मतलब खत्म हो गया क्या यार, बहुत सारी चीज़ें, बस आप जुड़े रहो हमारे साथ और प्यार दिखाते रहो, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा जो आपके पढ़ाई में तो काम आएंगे, आपके लाइफ में भी आपको आगे बढ़ाएंगे और करियर बिल्डअप करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर वीडियो समाप्त करता हूँ, जल्द लेकर आऊँगा कुछ और नई वीडियो में। तो ये वीडियो एंड ये चैप्टर आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर दो, अब तो ये भी शेयर कर दो यार, सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, फटाफट से शेयर कर देना, प्लेलिस्ट भी जाके देख लेना, लिंक वहां पे शेयर कर देना दोस्तों को, एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको बता दो सिलेबस कंप्लीट हो गया हर चीज का, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, हर एक चीज हो गया, तो बस आइए देखिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।